नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। सरीन डालते हैं आज की खबरों पर। बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील क्षेत्र अंतर्गत रेहरा बाजार ग्वालियर ग्रंट में रह रहे एक ही परिवार के सात लोगों की उल्टी व दस्त होने से हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर ग्रंट निवासी पंकज कुमार मौर्य के घर पर बीते 30 तारीख को उनके लड़के रजनीश कुमार मौर्य की शादी थी, जिसकी बारात मनकापुर क्षेत्र के करोहा मानपुर में गई हुई थी, जहां पर एक दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से बासी भोजन खाने से 20 लोगों के बीमार होने की वो दो लोगों के मौत होने की खबर प्रकाशित की गई थी। उक्त घटना को लेकर जब ग्वालियर ग्रंट निवासी पंकज कुमार मौर्य के घर जाकर जानकारी की गई तो पंकज के पुत्र रजनीश ने बताया कि मेरी शादी बीते 30 तारीख को थी और शादी के दूसरे दिन मेरे घर मेरे परिवार के सात लोगों की तबीयत उल्टी व दस्त से खराब हुई है, जिनका प्राथमिक उपचार एक निजी चिकित्सा के यहाँ चल रहा है, जो अब ठीक ठाक है। उक्त भ्रामक बातें जो मेरे परिवार को लेकर फैलाई जा रही है वो गलत है। वहीं क्षेत्र में फैल रही उक्त खबरों को लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक रेरा बाजार पारस प्रसाद व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंकज के घर जाकर जानकारी की है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 1 तारीख की दोपहर में 7 लोगों के बीमार होने की बात बताई गई है, जिनका इलाज एक निजी चिकित्सक के यहां चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रजनीश कुमार मौर्य। हाँ बताएं, क्या है पूरा मामला? सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ पे फूड पॉइजनिंग से 2 लोगों की मौत हुई है बारात के दौरान, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कैसे क्या है, जरा बताएंगे? जी हाँ, मौत किसी की नहीं हुई है। घर हमारे घर पर मतलब कि जैसे तबीयत ख़राब हुआ, इलाज कराया गया और फिर उसके बाद उससे नहीं आराम हुआ, फिर मतलब दुआ भभूत चलने लगा। आप कौन हैं? हम उनके मतलब लड़के हैं। आपकी शादी थी? जी। अच्छा, बारात कहाँ गई थी? करोहानाथ मानपुर। तो वहाँ का मतलब है कोई वाकया नहीं है? कोई नहीं। यहाँ घर पे किस दिन की बात है जब तबीयत खराब हुई है? पहली तारीख। कितने लोग थे टोटल जिनकी जिनकी तबीयत खराब हुई है? 7 लोग। 7 लोग। अभी क्या स्थिति है उन लोगों की? सब ठीक है। सब ठीक। ये बताइए, आपके यहाँ सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ से बारात गई थी मनकापुर के लिए, तो वहाँ पे फूड पॉइजनिंग के दौरान सुनने में आ रहा है कि मौत हुई है, क्या है पूरा मामला बताइए चाचे। यहाँ पे किन लोगों की तबीयत खराब हो थी? घर के परिवार के। कितने लोग की तबीयत खराब हो थी? जेठ की लड़की है, एक हमारी लड़की है, एक मेरे देवर की लड़की है, एक माछी जेठ की लड़की है। क्या हुआ था इन लोगों को? सिर्फ उल्टी दस्त। उल्टी दस्त। अब ये लोग की तबीयत कैसी है? अब इसमें पर सब का ठीक है। कोई मतलब और आया था जांच आज के लिए? आपने कहाँ पे दिखाया इन लोगों की तबीयत वगैरह, कहाँ इलाज कराया आप? सब दिखाया, दवाई वाई खा रहा, नहीं आराम, बस बताई सफाई दिखावा, उससे आराम नहीं गए। अब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक। सर, ग्वालियर ग्रंट में कुछ लोग बीमार हुए हैं, तो इस बारे में सर क्या कहना है, थोड़ा बताएंगे? सुबह आज आशा एवं एनम द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। एक शादी का फंक्शन था, उसको अटेंड करने के लिए लोग आए थे। मौके पर टीम भेजी गई, टीम द्वारा सभी का पूछताछ किया गया और आसपास के घरों में विजिट किया गया, जिससे जानकारी निकल के आई। परिवारजनों का कहना है कि तकरीबन 6 से 8 लोग बीमार थे, जो कुछ लोग यहाँ के थे, ग्वालियर के थे, और कुछ उनके रिश्तेदारी से थे। परिवारजनों का कैजुअल्टी के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है, इनकार है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन लोग उल्टी दस्त से पीड़ित थे, जिनका इलाज गोंडा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। मौके पर कोई भी बीमार व्यक्ति वहाँ पे